हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो हमारा एमबीए में सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100। तो इससे पहले की वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 75 तक कवर कर चुके हैं, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्या है। क्वेश्चन नंबर 76 हमारा, अ की एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल सेक्शन ऑफ बिजनेस प्लान इज डैश। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ रियलिस्टिक सेल्स फॉरकास्ट। क्वेश्चन नंबर 77, Which one of the following describes unemployment? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द नंबर ऑफ पीपल हु आर जॉबलेस एंड आर एक्टिवली सीकिंग वर्क। क्वेश्चन नंबर 78, आइडिया ऑफ योर न्यू प्रोडक्ट इज टेस्टेड इन पोटेंशियल कस्टमर्स कंज्यूमर्स टू डिटरमाइन कंज्यूमर एक्सेप्टेंस एट डैश स्टेज। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टेस्ट मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 79, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मॉडल एंटरप्रेन्योर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बिजनेस अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द मैक्रो एनवायरनमेंट नॉट इंक्लूड। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कस्टमर नीड्स इन अ गिवन मार्केट। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रेयरली यूज्ड इन स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, स्ट्रेटेजिक एंटरप्रेन्योरियल मार्केटिंग हैज बीन समराइज्ड एज द फोर आईज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टारगेट मार्केट्स, इंटरैक्टिव मार्केटिंग मेथड्स, इनफॉर्मल इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड व्हाट इज द फोर्थ वन। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनोवेशन। क्वेश्चन नंबर 83, एन एंटरप्रेन्योर हु ओन्स मोर देन वन बिजनेस एट अ टाइम इज कॉल्ड एंड डैश। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अ पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर। क्वेश्चन नंबर 84, industries producing complete articles for direct consumption and also processing industries is called as, iska answer option number A, that is manufacturing industries. Question number 85, dash is primarily concerned with identification, qualification and evaluation of the project resources, iska answer aapka option number B, that is feasibility analysis. Question number 86, resource requirement in the project becomes constant while the project is in its dash stage, so iska answer aapka option number D, that is 80 to 95%. क्वेश्चन नंबर 87, अंडर एस्टिमेशन ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट लीड्स टू डैश। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉस्ट ओवर रन। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर, न्यू एंटरप्रेन्योर्स एंटरिंग द फील्ड ऑफ अ मीडियम इंडस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम कैन हैव मार्केट स्टडीज विद द सब्सिडरी ऑफ डैश। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 75% ऑफ द कॉस्ट और रुपीज 15,000, विच एवर इज लेस। Question number 89, decisions which are concerned with the policy matters and exercise fundamental influence on the objectives of the organization are called as, is answer option number D, strategic decisions. Question number 90, section 80 HHB provides for a deduction of dash of profits and gains earned by a resident Indian company. So, is answer option number D, that is 50%. Question number 91, decisions which are non-repetitive and novel nature and required to solve unstructured problem is called as, iska answer aapka option number B, non-programmed decisions. Question number 92, the application for registration of a small scale unit should be submitted to the dash, iska answer aapka option number A, general manager DIC. Question number 93, the type of diversification in which the company adds complementary to the existing product or service line is called dash. So, iska answer option number C, that is vertical integration. Question number 94, which of the following is not an aspect of appraisal of term loans by commercial banks? So, iska answer aapka option number D, that is societal feasibility. Question number 95, the type of diversification in which the company adds up the same type of products at the same level of production is called dash. So, iska answer aapka option number B, horizontal integration. Question number 96, why should an entrepreneur do a feasibility study for starting a new venture? So, iska answer aapka option number B, to see if there is any possible barriers to success. Question number 97, when a firm enters into business which is unrelated to its existing business, both in terms of technology and marketing dash. So, iska answer aapka option number A, conglomerate diversification. Question number 98, district industry centers are located dash. So, iska answer aapka option number A, in each district. Question number 99, the purpose of soft loan scheme is to encourage units to undertake dash. So, iska answer option number D, that is all of the above. Theek hai? Question number 100,
सीड कैपिटल असिस्टेंस डैश, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज इनिशियल असिस्टेंस। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब मतलब यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आगे क्वेश्चन के लिए इस प्लेलिस्ट को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग, बाय बाय।